लोकतंत्र की यही ताकत है। भारत के अंदर विशेष रूप से जब से हम मुझे सरकार में सेवा करने का मौका मिला है, हमने एक सबसे बड़ा प्रयास ये किया है कि जन भागीदारी से देश के हर काम में जन भागीदारी को प्राथमिकता देना। सब कुछ सरकार करेगी, सारी समस्याओं का समाधान सरकार के पास ही है। भगवान ने बुद्धि बांटने निकले तो सारे सरकार वालों को ही बुद्धि मिली थी। ये सोच से हम बाहर निकल आ चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि जन भागीदारी से देश कई गुना प्रगति कर सकता है, तेज गति से प्रगति कर सकता है। अगर सरकार तय करते हैं हम टॉयलेट बनाएंगे, खुले में शौच जाना बंद करवाएंगे, स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय बनाएंगे, ये कार्यक्रम तो पहले भी चलते थे लेकिन वो कार्यक्रम सरकार चलाती थी। हमने आकर के कहा लोग इसको उठा लें, और आपको जानकर के खुशी होगी कि स्कूलों के अंदर एक साल के भीतर भीतर बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का काम, बालकों के लिए अलग शौचालय बनाने का काम लोगों ने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि नई जो सरकार बनी है आज देश में, जिसने अपने हर काम में लोक भागीदारी, जन भागीदारी को प्राथमिकता दी है। वरना पहले क्या होता था, लोकतंत्र का मतलब बहुत सीधा साधा हो गया था। डेमोक्रेसी मतलब 5 साल में एक बार जाना, ईवीएम मशीन का बटन दबाना और जो पसंद आए उसको जिता देना और उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देना, देखो 5 साल तुमको बिठाया है, ये हमारे 10 काम कर देना, नहीं करता है तो छुट्टी, जाओ। दूसरा, ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है, ये तो लोकतंत्र का एक सीमित भाग है कि जिसमें जन वोट देता है, सरकार चुनती है, लेकिन सरकार चलती है जन भागीदारी से।